जी स्नेहांशु, आपको क्या दिक्कत थी? पहले फ्लो होता था सर में, सर में फ्लो से क्या मतलब? ऐसा लगता था कुछ यहाँ से मतलब सर पे आ रहा है, सर पे आ रहा है जब झुकता था, मतलब ऐसा। तो अच्छा, सुबह और सुबह सुबह ओकेशनली महीना में कभी एक बार हो गया, कभी दो बार हो जाता था कि सुबह 4-5 बजे के करीब में एक तरफ सर में दर्द होता था, जग जाता था। कब से चल रहा था ये काफी दिनों से चल रहा था। मतलब कितना ये, साल से? मतलब मुझे तो ऐसा लगता है बचपन से ही था। अच्छा ठीक है। और जब ये थोड़ा ग्रो ऑन ऑफ हुआ तो पता चला, फिर हमने एम्स वगैरह में भी दिखाई, काफी दिखाया, तो फिर उनको कहा गया कि माइग्रेन है, सारे टेस्ट कराए थे जी 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 तो फिर कहा माइग्रेन है। फिर आपका इलाज चला माइग्रेन? फिर नहीं, माइग्रेन के इलाज तो ऐसा उन्होंने कोई चलाया नहीं, दवा दे दी कि जब होगा ऐसा तो आप ये दर्द वाली दवा खा लेना। अच्छा। और फ्लो का भी केस था तो फ्लो के लिए भी कुछ ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन सफरिंग्स चलती रही थोड़ी सफरिंग थोड़ी। हाँ, मतलब ऐसा नहीं था कि डेली हो रहा है जी जी, बट यस महीने में एक दो बार हो जाता था, कभी नहीं भी होता था, कभी 2 महीने में होता था, कभी महीने में 3-4 बार हो गया, समझ के कोई पीरियोडिक नहीं टाइम था, बस जी जी हो जी रहा जी था जी। ऐसे। अभी फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन ली है ना? हाँ, मैंने आपसे ली जी। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन से क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट ये आया कि अब नहीं के बराबर कह सकते हैं, जहां तक सुबह दर्द वाली है तो वो तो अब नहीं लग गए, ऑलमोस्ट करीब 10-11 महीने चले ट्रीटमेंट आप। हाँ, तो अब ऐसा सर में दर्द का तो नहीं है, अब नहीं फ्लो होता? भी स्नेहांशु आप बताओ, अब नहीं नहीं, होता? अब तो नहीं होता है ना, बिल्कुल नहीं होता? नहीं ना के बराबर ही है, वो तो जाए, कभी स्ट्रेस हुआ, कुछ काम अधिक हुआ तो वैसा। हाँ, कभी एग्जर्ट कर लिया, जैसे स्विमिंग में एग्जर्ट कर लिया ज्यादा जी जी, तो माइल्ड सा फ्लो की टेंडेंसी आती है, फिर वो गायब हो जाती है। अच्छा, मतलब अब वो उस तरह से नहीं रहता कि जैसे पहले परेशानी होती थी, वो इंटेंसिटी तो नहीं रही। ठीक, और वो फ्लो जो होता था थोड़ा सा, आप बता रहे हैं कि कुछ लगता था आपको ब्रेन में चलता वैसा, वो भी बंद हो गया? नहीं अब, हाँ वो बंद ही हो गया, बिल्कुल बंद हो गया ना? हाँ बिल्कुल ही हो गया। तो इस तरह की चीजों के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत अच्छा है, और आप क्योंकि मुझे पता है बड़ी अच्छी पोस्ट पे हैं और बहुत सोशल भी हैं, तो आपका बहुत बड़ा सर्किल है, तो उम्मीद है कि आप आयुर्वेद का प्रचार करेंगे जी, जी, और जी, लोगों जी, को मोटिवेट करेंगे कि वो किसी भी प्रॉब्लम के लिए आयुर्वेद के पास आए। जी डॉक्टर, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर।